नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भवनाथपुर, पुरानी कहावत है कि भ्रष्टाचार करने वाले लहरें भी गिनकर अपनी जेबें भर लेते हैं। इस भ्रष्टाचार का दीमक अब प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी लग गया है। योजना में बड़ा घोटाला भवनाथपुर प्रखंड के अरसली दक्षिणी पंचायत के सामने से आया है। वहां इसकी बानगी प्रधानमंत्री आवास योजना में देखने को मिलती है। यहां जिसका जमीन नहीं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बना दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों का नाम पर भी रुपए गटक लिए गए हैं जो आवास की बाट जोहते ही रह गए। पीएम आवास योजना में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान की राशि सैकड़ों लाभुकों के लाखों रुपए सीएसपी संचालक व प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से हड़प ली गई। राशि गमन को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वीडियो से की, जिसमें बिचौलियों की मिलीभगत से जमकर पैसा घोटाला किया। लोगों से आवास दिलाने हेतु घूस के नाम पर किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000 रुपये ऐसे कर के बहुतों से पैसे लिए और कुछ लोगों के विरोध करने पर उन्होंने कहा कि वीडियो से कहकर वो नाम कटवा देंगे, जिससे डर के मारे लोग पैसा देने लगे। जिन आदिम जनजाति के लाभुकों का मनरेगा मजदूरी की राशि सीएचपी संचालक फिरोज अंसारी ने फर्जी तरीके से लूटा है, उसमें नंदू भुइयां के 13,000, कोदू चेरो के 8,000, फुलवंती देवी के 14,000 रुपये, अभिलाष भुइयां से मजदूरी की राशि 16,000 रुपये और आवास दिलाने के नाम पर 9,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये, सीव चेरो के 24,000 रुपये, सुखी चेरो के 8,000 रुपये, बबलू भुइयां के 9,000 रुपये, कैलाश भुइयां के 7,000 रुपये समेत अन्य लाभुकों का पैसा हजम कर लिया गया। ग्रामीणों ने फिरोज अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह लोगों को डरा धमका कर को पैसा देने के नाम पर लाभुकों से पैसा मांगा करता था। और वहीं पर फिरोज अंसारी पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर जितना भी आवास बना है उसमें मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी की राशि किसी भी लाभुक को नहीं मिला। लाभुक द्वारा आवास में काम करने वाले मजदूरों की जॉब काट दिया गया था, तो बिचौलिया फिरोज अंसारी ने मास्टर रोल में अपने चहेतों का डिमांड भरकर सारा पैसा निकाल लिया। जब लाभुकों द्वारा पैसा की मांग की जाती है तो बोलता है कि ज़्यादा हल्ला करोगे तो केस कर देंगे, इस तरह से गांव के लोग डर जाते हैं। वहीं जाटू भुइयां ने आरोप लगाया है कि उसका आवास का पैसा साल भर पहले फिरोज अंसारी ने 40,000 निकाल लिया है, जिसमें वह उसको 2 ट्रिप ईंट एवं 1 ट्रिप बालू और 2 ट्रिप बोल्डर देकर बताया कि तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, इस वजह से उसका घर नहीं बन पाया है। ग्रामीणों ने रोजगार सेवक सुजीत यादव पर भी गंभीर आरोप लगाया कि एक आवास पर 500 रुपये लिए हैं। पूछने पर रोजगार सेवक सुजीत कुमार ने कहा कि जो करना है कीजिए, उन लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। इस गोलमाल के सामने आने के बाद गांव के बिचौलिया फिरोज अंसारी और वीडियो पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इन सबकी मिली भगत से ही पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। अब सभी को शिकायत पर होने वाली जांच और कार्रवाई का इंतजार है। जबकि सीएसपी संचालक फिरोज अंसारी ने बताया कि लाभुकों द्वारा लगाया गया आरोप गलत है, सभी के खाते में पैसा भेज दिया हूं। इस मौके पर लाभुक कोदू चेरो, बिफनी देवी, पनसबिया देवी, अभिलाषा भुइयां, अवधेश भुइयां, अकुरी देवी, कलावती देवी, जग्गू चेरो, मुनिरका चेरो, शिलावती देवी, गणमती देवी, क्रांति देवी, असुरीन, नागेश्वर चेरो, जबित्री देवी, नसरुद्दीन अंसारी सहित सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित थे। पंचायत के मुखिया गोपाल यादव ने कहा कि अगर गरीब लाभुकों से पीएम आवास में मनरेगा के तहत अंतिम किस्त के रूप में मिलने वाली मजदूरी का भुगतान की राशि हड़पने वाले बिचौलिया सह सीएसपी संचालक फिरोज अंसारी पर वीडियो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं मामले को गढ़वा उपायुक्त के समक्ष रखूंगा और गरीब लाभुकों को न्याय दिलाऊंगा। उन्हीं के मैटर में जब भी रोजगार सेवक जाते थे, हाँ। तो कितना रुपया लेते थे? 100 रुपया रोज, जब जेतन था जब जेतन तब 100 रुपया सब, हाँ। सब आदमी से लेते थे ना? हाँ, हाँ। फुलवंती देवी आपसे कितना पैसा लेते थे? वो जैसे 300 400 मांग रहे थे तो हम लोग 200 दिए।
300-400 रुपए घूस दिए हैं? नहीं, मांग रहे थे, बाकी हम लोग 200 दिए। अच्छा, 200 रुपए दिए हैं। अच्छा, और आपका किस्त आया लास्ट में, बोले आपका खाता बंद हो गया है? खाता कहाँ बंद है, चालू है सब। मतलब आपका पैसा क्यों नहीं आया फिर बाद में? तो पैसा इन लोग यहाँ का छोड़ दो ना, पैसा क्लोज हो गया। हाँ, क्लोज हो गया, पैसा नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से। अरे कहाँ लोग बोल रहे हैं, किलो में रहेगा भुगतान से बोल रहा हूँ। और कब कब का आवाज रहा है? आवाज कब का साथ होगा? काफी ना, कब का आवाज था? आवाज आपको कब मिला था? पैसा तो है ढाले 300 नहीं, चलिए ना। हाँ बोलिए। मतलब ये लाभुक के जानकारी नहीं है, ये फर्जी रूप से जो है कि पैसा कुछ लाभुक के निकला है, जो हमको भी जानकारी नहीं है। डिमांड डिमांड पर तो आपका सिग्नेचर चाहिए? नाम से डिमांड पर कोई सिग्नेचर नहीं कराया गया है, हम उसके सिग्नेचर नहीं किए। लेकिन बिचौलिया का कहना था, फिरोज अंसारी से जब बात की है तो उनका कहना है कि मुखिया जी भी इसमें मिले हैं, उनके कहने के बाद ही हम लोग ऐसा करते हैं। मुखिया जी से कभी फिरोज का कोई बात नहीं होता है, सारे लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि मुखिया जी और फिरोज का कोई बात नहीं होता। और गुल मोहम्मद का भी यही बयान था कि वो भी इसमें है। मुखिया जी के बारे में हम लोग जान ही नहीं रहे हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम इसमें कुछ भी, हम एकदम कानूनी कार्रवाई होगा, हम लिख करके अपने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिए हैं और आगे जो है कि जो गलत किया होगा उन पर एफआईआर किया। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।